पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री की, जिसने फिल्म इंडस्ट्री का ब्लैक एंड व्हाइट दौर देखा तो मुगले आजम की रंगीन निशानो शौकत भी, नाम जिनका निगार सुल्ताना है। जन्म 21 जून सन 1932 में हुआ, शहर था हैदराबाद। पांच भाई बहनों के परिवार में ये सबसे छोटी थीं। इनके पिता हैदराबाद के निजाम की आर्मी में मेजर थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो स्कूल में हुई, पर उसके बाद की पढ़ाई लिखाई घर पे ही रही। ये अपने स्कूल में एक नाटक का हिस्सा बनी और उसके बाद से इनका मन एक्टिंग में ही लग गया। सन 1938 में इन्होंने फिल्म देखी हम तुम और वो। उस फिल्म का इन पे बड़ा गहरा असर रहा। इनके वालिद के मित्र जगदीश सेठी साहब मोहन भवनानी के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने वाले थे और उस फिल्म के लिए निगार सुल्ताना को बतौर हीरोइन चुना गया। अपना चेहरा प्रोफाइल में दिखाइए, मुस्कुराइए। सन 1946 की फिल्म रंग भूमि में ये नजर आई। उसके बाद राज कपूर साहब की फिल्म आग का भी यह हिस्सा बनी। इनके फिल्मी सफर में ये बहुत जल्द ही कैरेक्टर रोल्स प्ले करने लगी थी। हालांकि इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म रही शिकायत, जो सन 1948 में आई। उसी दौरान फिल्म आई बेला भी, जिसे रंजीत प्रोडक्शन ने बनाया था। बतौर हीरोइन भी इनके करियर का सिलसिला आगे बढ़ा। उसके बाद वो फिल्म आई जिसे बनने में एक लंबा वक्त लगा, फिल्म रही मुगले आजम। इस फिल्म में निगार सुल्ताना बहार का किरदार निभाती नजर आई थी, जो शहजादे सलीम और कनीज अनारकली की मोहब्बत में एक कांटा बन के नजर आई थी। वो गाना कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, उसमें मधुबाला जी के साथ निगार सुल्ताना जी का अभिनय देखते ही बनता है। इनकी फिल्मों की फेहरिस्त वाकई लंबी है, पतंगा, दिल की बस्ती, शीश महल, खेल वगैरह वगैरह। इनकी निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि निगार सुल्ताना की दो बार शादी हुई। पहला ब्याह हुआ इनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर SM यूसुफ से, जो भारत के तकसीम के बाद 50 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान चले गए। इस शादी से इन्हें कोई बच्चे नहीं हुए थे। पाकिस्तानी अभिनेता दर्पण कुमार के साथ भी इनका नाम जरूर जोड़ा गया और इस बात से निगार सुल्ताना बहुत खफा हुई। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इन्होंने पाकिस्तानी अभिनेता दर्पण कुमार से शादी नहीं की है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि उसके बाद निगार सुल्ताना का ब्याह हुआ मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुगले आजम के निर्माता निर्देशक के आसिफ से। ये आसिफ साहब की दूसरी बीवी बनी। लेकिन मैंने तुम्हें सही समझा है, तुम्हें धीरज भी है और घमंड भी। निगार सुल्ताना का के आसिफ की पहली बीवी से बहुत ही ठंडा रिश्ता था, जिनका नाम रहा अख्तर आसिफ, जो महान अभिनेता दिलीप कुमार की बहन थी। निगार सुल्ताना और के आसिफ की शादी से एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा हीना कौसर। इसी घर में रहेगी, वो मेरी बेटी है। हीना कौसर भी कुछ फिल्मों में नजर आईं, पर उसके बाद वो सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गईं। सन 2000 तारीख 21 अप्रैल वो वक्त लेकर आया जब निगार सुल्ताना ने आखिरी सांसें ली। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इनका निधन हुआ। भारतीय सिनेमा का इतिहास निगार सुल्ताना के नाम के बगैर अधूरा सा लगेगा। दूसरों का पैसा उड़ाना या दान करना बहुत आसान है, कमाकर देने में शान है, बड़प्पन है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।